खुश रहो बेटा। अच्छा माँ, चलता हूँ। पिताजी, आप अपनी दवा समय पे ले लीजिएगा। हाँ हाँ, मुझे याद है। पापा पापा, शाम को मेरे लिए क्या लाएंगे? अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत से खिलौने और मिठाई लाऊंगा। जरूर लाना। बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय। सुनिए, ये सुरेश का घर किधर है? क्यों, क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र है, मैं ट्रांसमिशन लाइन की कंपनी में इंजीनियर हूँ, जहाँ सुरेश काम करता था। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन के टावर पर काम करते हुए सुरेश जमीन पर गिर गया और ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसके परिवार का अब क्या होगा? उसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप भी उस पे निर्भर हैं। उनकी देखभाल कौन करेगा? उसके घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं, कैसे रह पाएंगे वो सब? लेकिन भैया, ये सब हुआ कैसे? काश सुरेश ने टावर पर काम करते हुए सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हेलमेट पहने होते तो आज उसकी मृत्यु नहीं होती। हमने उसे कई बार समझाया कि सुरक्षा के ये उपकरण हमारी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और आज उसके परिवार को ये दिन देखना पड़ रहा है। साहब, कल के हादसे के बाद ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में लगे हुए आदमी कुछ घबराए से लग रहे हैं। वे लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि वे सब नए ठेकेदार के लोकल आदमी हैं और उनके पास अनुभव की कमी है। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोगों को साइट पर बुलाकर आप सुरक्षा के बारे में विस्तार से समझाएं। महेश, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तुम एक काम करो, सभी काम करने वाले साथियों को खबर कर दो। साहब, मैं सभी काम करने वाले साथियों को अभी खबर करता हूँ कि कल सब लोग साइट पर एकत्रित हों। इंजीनियर साहब उन्हें सुरक्षा के बारे में समझाएंगे। भाइयों, इंजीनियर साहब आ गए। हटो हटो, रास्ता दो। नमस्ते साहब। नमस्ते भाइयों। भाइयों, ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण का कार्य बंद करने से हम सबका ही नुकसान है। इंजीनियर साहब हमें कार्य को सुरक्षित तरीके से काम करने के बारे में पूरी तरह से समझाएंगे ताकि भविष्य में फिर कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। अच्छी बात है। हम सभी सबसे पहले सुरेश की आत्मा की शांति के लिए मौन रखेंगे। भाइयों, काम करने से पहले यह जरूरी है कि सबको सुरक्षित काम करने की जानकारी होनी चाहिए ताकि काम आसानी से और सुरक्षापूर्वक किया जा सके। आपकी जान न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी बहुत जरूरी है। सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखकर काम करने से आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा जिनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको याद होगा कि पिछले से पिछले माह गड्ढे की खुदाई के समय रामदीन और मुस्तफा की मौत भी मिट्टी में धंसने से हो गई थी क्योंकि उन लोगों ने गड्ढे के चारों तरफ शटरिंग नहीं लगाई थी। मुस्तफा की मौत के बाद तो उसकी पत्नी पागल सी हो गई थी क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा। यही हाल रामदीन के घर का था। उन दोनों के परिवारों की क्या दुर्दशा हुई होगी, आप सब अच्छी तरह से समझ सकते।